वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का फिफ्थ पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम स्टाफ क्वार्टर और कंपाउंड वॉल का कंस्ट्रक्शन और उसके क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में मैं आपको फिल डिटेल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप इससे पहले हमारा फोर्थ पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये आपका प्लॉट है जहाँ पर हमें पूरा कंस्ट्रक्शन करना है। तो ये इस तरह का आपका हो सकता है, बीच में एक या दो पेड़ मिल जाए, या फिर आपका इस तरह का पूरा जो WWTP का साइट है वो पूरा क्लीन मिले। तो दोनों ही केस में आपको बताऊंगा। अगर आपका पूरा साइट क्लीन है यानी 5 सेंटीमीटर से बड़ा पेड़ या कोई प्लांट नहीं है तो आप डायरेक्ट ही मार्किंग करके शुरू कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन। अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, मान लीजिए कोई पेड़ हो, ये मैंने आपको शो किया है 100x60 का प्लॉट मैंने शो किया जिसमें कोई पेड़ हो, कोई DI पाइप रखा हो, या कोई बड़ा फ्लावर या कोई अदर पेड़ हो, या कोई टेम्प्रोरी बिल्डिंग बना हुआ है जिसको हमें तोड़ कर वहाँ पर हमें WTP का प्लांट बनाना है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो इन सभी को पहला मेथड हो जाता है साइट क्लीनिंग का। इन सभी को आप क्लीन करके उसके बाद ही आप मार्किंग कर सकते हैं और अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं WTP का। तो सबसे पहला मेथड हुआ कि हमने साइट क्लीनिंग कर दिया, इन सभी को क्लीन करके उसके बाद हम मार्किंग करेंगे और हम कंस्ट्रक्शन कंपाउंड वॉल का और स्टाफ क्वार्टर का शुरू करेंगे। तो ये हमने एक स्टाफ क्वार्टर का आपको डिज़ाइन ड्राइंग दिखाया है। अब इस डिज़ाइन ड्राइंग को समझने के लिए आपको 3 बार समझना बहुत ज़रूरी है, जो हर ड्राइंग में होता है। पहला प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। प्लान यानी जो हम ऊपर से व्यू देखते हैं उसका प्लान क्या है, और एलिवेशन यानी जो उसका फ्रंट व्यू क्या है, और सेक्शन यानी हम उस पर्टिकुलर डिज़ाइन ड्राइंग को यानी प्लान को हम ऐसे जगह काटे जहाँ उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको उसका व्यू दिख जाए। तो हमें प्लान यानी एरियल व्यू, एलिवेशन यानी जो हम फ्रंट से देखें, और सेक्शन यानी वो कटा हुआ भाग। तो आइए देखते हैं इन तीनों ही चीज़ों को हमने जो आपको स्टाफ क्वार्टर का डिज़ाइन और ड्राइंग दिखाया था उसमें, और समझते हैं प्लान उसमें क्या है। एक प्लान क्या, एक ड्राइंग में एक से ज़्यादा हो सकता है या एक ही हो सकता है। इस तरह सेक्शन, एलिवेशन, ये हमने उस ड्राइंग का प्लान आपको जूम करके दिखाया। इसमें 2 प्लान है, एक ग्राउंड फ्लोर प्लान और एक टेरेस प्लान। आप इसके पूरे देख सकते हैं, एक रूम किचन और ओपन एरिया बाथरूम है, उसी तरह दूसरी तरफ है, यानी टोटल 2 रूम किचन और लैब बाथ। तो हम इसी को कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसका टेरेस व्यू आपने देख लिया। इस तरह हमने सेक्शन व्यू यानी जो हमारा एलिवेशन व्यू जो हमने फ्रंट से देखा है उसको हम देखेंगे। ये देखिए, हमारा सामने का दोनों का डोर दिख रहा है, विंडो और कबर्ड का वो ब्रिक वर्क दिख रहा है। साथ में ये पोर्शन आप देख सकते हैं, इसको आप सेक्शन में देखेंगे कि ये हमने कहाँ लिया है। इसमें हमारा जो सब फाउंडेशन का दिया हुआ है, जिसमें हमने सैंड फिलिंग, ब्रिक सोलिंग और फुटिंग, फाउंडेशन फुटिंग का दिया हुआ है ब्रिक वर्क जो है, साथ में रिइंफोर्समेंट डिटेल ऑफ लिंटल भी दिया हुआ है। इसी तरह सेक्शन व्यू को मैंने हर चीज़ को एरो से दिखाया है। इसमें आप देख सकते हैं जो मैंने डिटेल ऑफ ए कहा था जो फाउंडेशन को उस ड्राइंग में शो था, ये हमारा जो सेक्शन है जहाँ मैक्सिमम चीज़ें दिखता है वो हमारा शो किया हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें था आपका। उसी तरह हम कंपाउंड वॉल का भी ड्राइंग में देखते हैं, ये हमने पूरा होल दे दिया है जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पास दोनों चीज़ अप्रूव हुआ है। तो हम इसको भी जूम करके देखते हैं कि प्लान कहाँ है। इसका देखिए 2 प्लान है, एक फाउंडेशन प्लान जो हर जो आपका कॉलम है वो 3 मीटर का सेंटर टू सेंटर पे है, और इसका 1.2 मीटर इसका ब्रिक सोलिंग, सैंड फिलिंग और PCC, और उसके बाद फुटिंग 1 मीटर का लेंथ और ब्रेथ पे है, और जो हमें डेप्थ जाना है वो 1 मीटर है, वो भी मैंने आपको एरो से दिखाया, रेड कलर का एरो है। हमें सैंड फिलिंग, PCC इसमें भी सेम टू सेम करना है। अब हम जब साइट पे जाते हैं, इससे पहले हमारा पूरा जो कंपाउंड वालों सीधा हो तो ट्रायंगल मेथड लगाना पड़ता है, 3, 4, 5। अगर आपका प्लॉट बड़ा है तो इस सभी को 10 से मल्टीप्लाई करें, 30, 40, 50 के द्वारा आप सीधा कर सकते हैं। आप आराम से मार्किंग कर लीजिए और उसके बाद शुरू कीजिए। तो हम सबसे पहला वर्क है मार्किंग। तो हमने ये 30, 40 और 50 की हेल्प से अपना पहले स्ट्रेट कर लिया है लाइन, और उसके बाद हम फाउंडेशन का मार्किंग कर रहे हैं, 750 इधर और 750 इधर, दोनों तरफ हमने ये मार्किंग की हेल्प से मार्किंग कर लिया। उसके बाद एक्सकेवेशन कंपाउंड वॉल का शुरू किया। हम जब भी करेंगे तो ये डेप्थ जरूर चेक करें स्टार्टिंग में, ताकि जो भी आपका ऑपरेटर है हाइड्रा वो आराम से कर सके। पहले तो हम ये सीधा पूरा होल टू होल कर सकते हैं एक्सकेवेशन, या दूसरा कॉलम टू कॉलम कर सकते हैं, दोनों ही तरह का एक्सकेवेशन है। एक्सकेवेशन करने के बाद आप उसका सॉइल ड्रेसिंग करेंगे कि बिल्कुल आपका सॉइल सपाट होना चाहिए,
सॉयल ड्रेसिंग में हो सकता है आपका ऐसा भी आए जहाँ रॉक आ जाए, तो उसको आप मैन्युअली निकाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ब्लास्ट की हेल्प से ब्लास्ट करके उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन शुरू हो। सबसे पहला स्टेप है, मैं कंपाउंड वॉल में 100 mm थिकनेस का सैंड फिलिंग जो कि हमें एंटी बैक्टीरिया से बचाता है उसको ऊपर नहीं आने देता है आपका। उसके बाद ब्रिक सोलिंग करते हैं, उसके बाद फिर PCC प्रोवाइड करता है फुटिंग को एक तरह का बेस फाउंडेशन ब्रिक सोलिंग करने से। उसके बाद PCC करते हैं, PCC हमें आपका रिइंफोर्समेंट जो होता है उसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट सॉइल से और वाटर से बचाता है, इसलिए हम PCC करते हैं। PCC का फुल फॉर्म प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट होता है जो मिक्सचर होता है सीमेंट एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट यानी गिट्टी का। ये हम हर एक आपका जो PCC कर रहे हैं कॉलम टू कॉलम वो हम बिल्कुल देख सकते हैं, आप लाइन डोरी की मदद से कर रहे हैं, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए नहीं तो आपका प्लॉट गड़बड़ हो सकता है। हमने अपने प्लॉट का नाम भी दिया हुआ है, जैसे ये एक वॉल हो गया, बी वॉल हो गया, सी और डी है। ए वॉल में 33 है जो हर एक 3 मीटर पे है, उसी तरह सी वॉल में 19 है। ये आपका क्वांटिटी के समय काम होगा इसलिए मैंने आपको बताया। तो देख सकते हैं आप अर्थवर्क हमने A1 से यानी कॉलम A1 से A33 तक का 33 नंबर हो गया। लेंथ हमने 1.5 मीटर लिया, 750 750, विड्थ भी हमने सेम और डेप्थ 1 मीटर। इस तरह हमारा अर्थ फिलिंग निकल गया, टोटल क्वांटिटी उस तरह देख सकते हैं, मैंने रेड कलर का एरो से दिखाया। इस तरह सैंड फिलिंग भी सेम, आपका बस विड्थ 1.2 हो जाएगा अगर आपको डिजाइन थ्रोइंग याद है तो, डेप्थ आपने हमने 100 mm यानी 0.1 आ जाएगा, तो टोटल सैंड फिलिंग क्वांटिटी भी आपका 14.97 आ जाएगा। तरह ब्रिक सोलिंग हमेशा मीटर स्क्वायर करते हैं क्योंकि उसका थिकनेस स्पेसिफाइड होता है 75 mm, तो हमने इसे मीटर स्क्वायर में 149 निकाल दिया। उसी तरह हम PCC निकालेंगे, PCC का रेशियो 1:36 यानी एक सीमेंट 3 हमने सेंट लिया है और 6 एग्रीगेट यानी गिट्टी, तो इसका भी हमने 100 mm का थिकनेस पे किया है तो ये हमने क्वान्टिटी निकाल लिया। ये हमने देखा कंपाउंड वॉल को PCC तक। अब आते हैं स्टाफ क्वार्टर पे, स्टाफ क्वार्टर पे भी हम सेम निकालेंगे। सबसे पहले सैंड फिलिंग, ब्रिक सोलिंग और PCC। पहले तो पहला मेथड है कि हम वॉल टू वॉल एक्सकेवेशन करें और उस हिसाब से करें पूरा सैंड फिलिंग, ब्रिक सोलिंग और PCC। दूसरा मेथड है कि हम पूरे एरिया को जो भी हमारा स्टाफ क्वार्टर का प्लेस है पूरे को एक साथ एक्सकेवेशन कर दें, जिस तरह आप फोटो में देख भी रहे होंगे। ये दूसरा तरह मेथड है कि हम पूरे को, आप इस तरह से चीज़ों से सावधान रहें, ये बारिश में आपका प्लॉट में निकल सकता है आसपास। दूसरा मेथड था कि पूरे होल को एक्सकेवेट कर ले और उसमें हम लाइन डोरी की मदद से हर एक वॉल को मार्क कर ले और उसमें सैंड फिलिंग, PCC और ब्रिक सोलिंग करें। देख सकते हैं हमने सबसे पहले इसमें सैंड फिलिंग, फिर ब्रिक सोलिंग और फिर PCC किया, ठीक है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, आपको लाइन डोरी भी दिख रहा होगा, मैंने पूरे बिल्कुल लाइन डोरी की मदद से किया है और साथ में ट्रायंगल मेथड का भी यूज करके। उसके बाद हमारा, अगर आप देख सकते हैं साइड में मैंने दिखाया, सबसे पहले आपको सैंड फिलिंग था, ब्रिक सोलिंग और उसके बाद फर्स्ट पुडिंग हमारा 300 का 625 है वो किया, फिर 500 का, फिर 375 का, उसके बाद DPC और उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर जो 250 mm का है वो कर दिया है। देख सकते हैं पूरा, तो इसको हमने 2 लेयर में किया है और उसके बाद हमने लिंटल का शटरिंग लगाना शुरू कर दिया है। ये तो हमारा हो गया जो हमने होल किया है। अब हम चलते हैं जो हमने वॉल टू वॉल किया था, इसमें भी सबसे पहले हम सिक्स फर्स्ट थिंग है जो ब्रिक सोलिंग ब्रिक वर्क वो 625 mm का है उसको विड्थ का किया, उसके बाद 500 जो सेकेंड फुटिंग है और थर्ड 375 mm का है उसको किया हमने। ये तीनों फुटिंग आप देख सकते हैं डिफरेंस, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड और थर्ड, यानी कि साइड व्यू भी आप देख सकते हैं इसका, ये तीनों फुटिंग का है। उसके अगर आप इन तीनों के करने के बाद मैन्युअली भी आप इसको बैक फिलिंग कर सकते हैं या फिर आप हाइड्रा ऑपरेटर से भी करा सकते हैं या JCB से। तो ये हमारा GL तक हो गया, उसके बाद हमने इसमें बैक फिलिंग कर दिया। ये हम आप देख सकते हैं, ये बीच में बरामदा, इधर किचन है, मैंने शो किया है कि आप मैक्सिमम चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका बैक साइड का है जो ओपन एरिया रहेगा और लैड बात रहेगा, ठीक है। ये सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है अभी ये। अब अच्छे से अब बिल्कुल मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद ये होने के बाद हम लिंटल का
और छज्जा का या विंडो का जो छज्जा है उसका हम शुरू करेंगे। छज्जा आप देख सकते हैं हमने इस तरह किया है, छज्जा इसका इस तरह का आप रिंग बना ले जो कि छज्जा में आएगा और आराम से आप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने डबल इस पे जल लिया आएगा छज्जा का, मैंने आपको दिखा दिया। और ये बाथरूम का पोर्शन है और ओपन एरिया 125 का वॉल है, तो उसमें हमने लिंटल का जो कि ऊपर 10 mm का, 10 mm का रिंग भी है और नीचे 10 mm का जो थ्रू आउट जाएगा वो स्टील है। पूरे का शटरिंग रिइंफोर्समेंट करने के बाद इसका RCC करेंगे। ये देखिए RCC वर्क स्टार्ट हो गया लिंटल का। लिंटल 2.1 मीटर की हाइट पर है, इस तरह हमने लिंटल कर दिया जिसका डेप्थ 200 mm और विड्थ तो 250 है। बाथरूम तरफ विड्थ 125 हो जाएगा, डेप्थ 200 ही रहेगा, ठीक है। लिंटल के बाद 600 mm का हम और ब्रिक वर्क करेंगे। उसके बाद ब्रिक वर्क करने के बाद हमारा आ जाएगा रूफ, जिसको रूफ का वाले शटरिंग करेंगे। उसके बाद उसका रिइंफोर्समेंट होगा और फिर उसका RCC। सबसे पहले शटरिंग देखिए, ये उसका रूफ का शटरिंग है, ये बिल्कुल लेवल में होना चाहिए नहीं तो आपका ये चीज़ हो सकता है। उसके बाद रूफ बीम का रिइंफोर्समेंट आप देख सकते हैं, इसमें भी सेम 10 mm का दोनों ऊपर और दो नीचे रॉड है थ्रू आउट। और ये बोथ बेस 10 mm का ही रॉड है जो 150 mm पे हमने बंद किया है रूफ के लिए। ये हमारा रूफ का राफ्ट स्टार्ट हो गया है, चूँकि मिक्सर मशीन के द्वारा इस तरह के इसको बनाकर हमने ढलाई किया है। फिर हमने साइड शटरिंग हटा दिया है, ये आप रूफ का देख सकते हैं, हमने इसको 125 mm का ढलाई दिया है। उसके बाद क्यूरिंग के लिए इस तरह का हमने बनाया है। उसके बाद ये क्यूरिंग हो जाने के बाद पैरापेट वॉल आप बना दीजिए और उसके बाद प्लास्टरिंग वर्क स्टार्ट हो जाता है। प्लास्टरिंग वर्क अंडर प्रोग्रेस है, पहले हमने फ्रंट किया फिर साइड किया। फ्रंट भी हमारा अंडर प्रोग्रेस है, अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। अंडर प्रोग्रेस होते हुए हमने प्लास्टर कर दिया है, फिर इनर प्लास्टर भी कर दीजिए। और ये इनर प्लास्टर होने के बाद आप इसमें इलेक्ट्रिक वर्क, प्लम्बिंग वर्क, ये हमारा पूरा आउटर इनर दोनों ही प्लास्टर हो गया है। उसके बाद हमने प्लम्बरिंग वर्क ने बाथरूम में किचन में कर दिया है, ये हमने अपना सीट भी बैठा दिया है। और इलेक्ट्रिक वर्क भी ये दोनों ही एक साथ साथ हो रहा है, साथ में हमने किचन का जो स्लैब है वो भी साथ साथ कर रहे हैं। हमने ऊपर टंकी बैठा दिया है, पानी का कनेक्शन भी स्टार्ट हो गया है, साथ में डोर विंडो कनेक्शन भी कर दिया है। और हमारा वाइट वॉशिंग जो चूना का काम होता है वो भी चल रहा है। और इस तरह हमारा पूरा स्टाफ क्वार्टर का काम कंप्लीट हो गया है वाइट वॉशिंग के बाद। इसमें मैं आपको कुछ नाम दिखाता हूँ, हर एक वॉल को हमने 1, 2, 3 इधर दे दिया है नाम, और इधर ABC, ये इसलिए ताकि मैं आपको क्वांटिटी दिखाऊं, उसमें आपको आसानी हो समझने के लिए कि A1 वॉल कौन सा है, B1 कौन सा है, ये इस तरह। तो जिस तरह हमने स्टाफ क्वार्टर का क्वांटिटी निकाला था और बताया था, उसी तरह ये आपका फाउंडेशन का सबसे पहले रिवर्स एंड, उसके बाद आपको ये सभी का है वॉल फाउंडेशन A1 से D1, A1 to C2। ये आपको पूरा इसका सब सैंड फिलिंग, एक्सकेवेशन, ब्रिक सोलिंग, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, बस इसमें आपको डेप्थ चेंज होगा और लेंथ हमारा वॉल का है वो सिमिलर ही रहेगा क्योंकि हमने सेंटर टू सेंटर लिया है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड, उसके बाद DPC वर्क, इसको आप प्लीज पॉज कर करके आराम से देखें। सुपर स्ट्रक्चर का हमने ब्रिक वर्क जिसमें 2.1 हाइट हो जाएगा, बाकी विड्थ 0 to 250 mm, लैंड बात का, फिर डिडक्शन होगा आपका कुछ चीज़ें, देख सकते हैं आप डिडक्शन चीज़ें भी मैंने आपको दिखाया है, जो आपका डोर विंडो है वो सब डिडक्शन होता है। उसके बाद लिंटल वर्क, लिंटल के लिए भी आपका सेम क्वांटिटी होगा, उसके ऊपर आपका वर्क है जो 600 का है वो निकालना और रूफ का क्वांटिटी। अब फिर से आते हैं हम कंपाउंड वॉल पे। अगर आप पानी भर जाए तो उसे आप डीवाटरिंग कर लीजिए। उसके बाद हमने इसका रिइंफोर्समेंट दिखाया है, जूम करके भी मैं दिखाता हूँ। उसके बाद हमने इसमें कॉलम कर दिया है, इसमें जल लिया है 10 mm का बोथ वेज जो कि 100 mm पे बंधा हुआ है, उस तरह इस तरह का त्रिपोजाइडल फुटिंग आएगा, आप देख सकते हैं। ये हमने बिल्कुल सेंटर टू सेंटर, उसके बाद क्यूरिंग भी साथ साथ आप कीजिए ताकि आपका फिनिशिंग अच्छा है। ये पीछे आप स्टाफ क्वार्टर का भी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। फिर इसका जो कॉलम का ढलाई करेंगे, इसके लिए मैंने ये आपको दिखाया, ये बनता हुआ नट बोल्ट के हम से इसको हम टाइट करेंगे और फिर इसका फर्स्ट लिफ्ट पूरे कॉलम का ढलाई करेंगे। ये पूरा आपका WTP का व्यू है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है,
ये 250x250 mm है, जो कि मुझे लिखने में मिस्टेक हुआ है। फिर इसका बैक फिलिंग हम कर देंगे, ये इस तरफ हमें थोड़ा ज़्यादा बैक फिलिंग करना है क्योंकि इधर थोड़ा ढलान एरिया है। उसके बाद हमने लिंटल का काम किया है, लिंटल 250x डेप्थ जो है उसका 200 आएगा। देख सकते हैं हम तीन रॉड ऊपर में हैं और तीन रॉड नीचे में हैं, टोटल 6 हैं। इस तरह हम मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, इस तरह आपको बिल्कुल बाइंड होना चाहिए कॉलम में। ये दो कॉलम एक जगह भी रख सकते हैं आप, ये आपको आसानी होता है जब कोई बाई चांस अर्थ कोई आया उस केस में। उसका लिंटल का शटरिंग करेंगे, रेनफोर्समेंट कर देंगे और उसके ऊपर का भी सेम। तो इस तरह हमने प्लिंथ बीम के ऊपर कॉलम का कास्टिंग कर दिया है। कॉलम कास्टिंग के बाद अगर आपका और आपको बैक फिलिंग करना हो तो आप बिल्कुल प्लिंथ बीम तक पूरा बैक फिलिंग कर दीजिए। उसके बाद हम ब्रिक वर्क स्टार्ट करेंगे। ब्रिक वर्क जो स्टार्ट करें, हमारा एक कॉलम से दूसरा 2.75 मीटर है डिस्टेंस, हाइट हम 1.9 मीटर रखेंगे और विड्थ आप 250 mm जो कि ब्रिक की होती है उतना रखेंगे। पूरा हमने ब्रिक वर्क कर दिया। उसके बाद प्लास्टरिंग और लिंटल जो कि 100 mm का है वो एक साथ ही हम कर देंगे। हमने 100 mm का लिंटल डाल दिया और साथ में प्लास्टरिंग वर्क कर दिया। और फिर प्लास्टरिंग करने के बाद आपका वर्क कंप्लीट होता है। मैंने आपको दोनों का क्वांटिटी बताया, मैं आपको ये टास्क देता हूँ कि आप इसका खुद से करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे बताइए, मैं उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।